श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप घर में माउथ वॉश कैसे बना सकते हैं मुंह की बदबू दूर करने के लिए। मुंह की जो बदबू है ये 70% लोगों का प्रॉब्लम है, ये उनको नहीं पता रहता है। हम जब उनसे कन्वर्जेशन करते हैं, जो बात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है और हम शर्मिंदा होकर कुछ कह नहीं पाते हैं कि भाई उसको कैसे कहें, और सामने वाले बोलता चला जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके मुंह से बदबू आ रही है। तो जब हमें इस चीज का एहसास हो तो हमें अपने लिए क्योर कर लेना चाहिए, और अगर ज्यादा बदबू आ रही है तो सामने वाले को बता देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बिल्कुल पोलाइटली बोलना चाहिए कि सब चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती है सुनने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लौंग, दालचीनी ऑयल और पानी का माउथ वॉश। आप लौंग का तेल, दालचीनी का तेल और पानी, पानी को आप गर्म पानी कीजिएगा, तो एक गिलास गर्म पानी ले लीजिए। उसके बाद दो तीन बूंद लौंग के तेल और दालचीनी के दो तीन बूंद तेल डालने हैं, और उसको मिलाकर आप इसका माउथ वॉश बना लीजिए, और दिन में दो तीन बार आप कुल्ला करेंगे इससे। इस माउथ वॉश से कुल्ला करने पर सांसों में ताजगी मिलती है और इनसे बदबू आना बंद हो जाता है। साथ ही इस माउथ वॉश में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों में कीटाणुओं से बचाते हैं। ये जो पानी लेना है आपको एक कप लेना है, और दोनों तरह के तेलों के दो तीन बार ही मिश्रण करने हैं, ज्यादा तेल में नहीं डालना है इसमें। इसके बाद आप सेव का सिरका और पानी का माउथ वॉश बना सकते हैं। 3 चम्मच सेव का सिरका लीजिए और 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, और दोनों को अच्छे से मिलाकर रख दीजिए, और दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करना है। आप चाहें तो इस मिक्सचर को स्टोर करने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। सेव के सिरके से दांतों और मुंह के कीटाणु से मुक्ति मिलती है और दांत चमकदार बनते हैं। इस माउथ वॉश के उपयोग से सांसों की बदबू दूर होती है और जो दांत है आपके वो भी स्वस्थ रहेंगे। फिर आप बेकिंग सोडा, टी और पेपरमिंट ऑयल से आप माउथ वॉश बना सकते हैं। आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, 2 बूंद टी ऑयल लीजिए और 2 ही बूंद पेपरमिंट ऑयल लीजिए, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा इन द सेंस एक गिलास, और अच्छे से मिला लीजिए, और आपका माउथ वॉश तैयार हो गया। इसको आपको दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करना है। इस माउथ वॉश को बनाने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। ये माउथ वॉश आपके दांतों को साफ और चमकदार भी बनाता है, और पिपरमेंट जो है वो मुंह और सांसों को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा। इसके बाद आप नींबू, ग्लिसरीन और पानी के साथ माउथ वॉश बना सकते हैं। आप 2 चम्मच ग्लिसरीन लीजिए और इसमें कुछ बूंद नींबू का रस मिलाइए, और फिर इसको दिन में 2-3 बार कुल्ला कीजिए। अभी नींबू में काफी अम्लीय गुण होते हैं, इसके माउथ वॉश के प्रयोग से न सिर्फ दांतों को सफेदी मिलती है बल्कि सांसों को भी ताजगी मिलती है, और वहीं जो ग्लिसरीन है उसको दांत से संक्रमण से बचाता है क्योंकि उसमें ये गुण होते हैं। उसके बाद आप एलोवेरा, बेकिंग सोडा और पिपरमिंट के तेल और पानी, ये 4 सामग्री लेना है। इससे आप अपना बदबू दूर कर सकते हैं, दांतों में चमक बढ़ा सकते हैं। आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और 2 चम्मच पिपरमिंट का तेल लीजिए, और उसको एलोवेरा जूस में ठीक से मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को थोड़ा गर्म पानी भी मिला लीजिए। आपका माउथ वॉश तैयार है, और बेहतर परिणाम के लिए आप दिन में 2 बार कुल्ला कीजिए। इस माउथ वॉश के नियमित इस्तेमाल से हानिकारक माइक्रोबेस दूर हो जाते हैं और गंदगी भी दूर हो जाती है। इस माउथ वॉश से एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके मसूड़ों को स्वस्थ बनाएंगे, और मुंह की गंदगी तो ऑटोमेटिक साफ हो गई होगी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।